Hey guys, it's Janath. Welcome back to Sidhu Vlogs. तो गाइज आज का रिएक्शन होने वाला है CBA के लेटेस्ट कॉमेडी की वीडियो में, जिसके बारे में उन्होंने बात करी है पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड, जिसमें पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को काफ़ी बुरी तरह से हरा दिया. आई थिंक 100 रन भी नहीं बनने दिए, उनके ऑल आउट हो गए थे एंड स्कोर भी काफ़ी अच्छा बनाया था पाकिस्तान ने. एंड बात होगी IPL का मैच जो कि कल हुआ था, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज कोलकाता नाइट राइडर्स. तो गाइज बिफोर स्टार्टिंग आर रिएक्शन, अगर आप लोग अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे तो ये हमारे दो इंस्टाग्राम हैंडल्स, प्लीज 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 डू फॉलो अस. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नहीं इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक और ओरिजिनल चैनल का अब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज डू चेकआउट. उसको पहले चेकआउट कर लेना और फिर हमारा रिएक्शन देख लो. लेट्स गो. फ्लो में दोस्तों बड़ा कुछ हो गया है क्रिकेट की दुनिया के अंदर, तो बड़े मैचेस हो रहे हैं. इधर पाकिस्तान के भी मैच शुरू हो गए न्यूजीलैंड के साथ, उधर आईपीएल की दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा है. दो मैचेस अभी निकल रहे हैं, बात नहीं, लेकिन सबसे पहले बात करूंगा मैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज हुई है उसके बाद. एक और होम सीरीज हो चुकी है, मुझे पता है थंबनेल वगैरह और टाइटल और अभी दो मिनट पहले मैं जिस बारे में बातें कर रहा था उन सबको अगर भुला के तुम लोग जरा गेस करो कि कौन सी टीम आई होगी. न्यूजीलैंड, मतलब यार इतना अच्छा हो गया था हमारे न्यूजीलैंड के साथ, कोई सीरीज ही नहीं हो रही थी, कोई मैच ही नहीं हुआ था पिछले 2 साल के. और मजे की बात यह है कि इनकी जो बी टाइप की टीम आई है हमारे ही होम ग्राउंड के अंदर, उसके खिलाफ हमने अपने पूरे जितने भी जंगजू थे ना, जितने भी मेन प्लेयर्स थे वो सब डाल दिए. लेकिन जब हमने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना था वो भी अवे कंडीशन के अंदर उनकी जबरदस्त टीम के सामने जो कि T20 की उनके अंदर है, तब हमने सारे ही नए बच्चे सामने रख दिए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए. भाई वाह, क्या बेहतरीन किस्म का थिंकिंग हेड है हमारा. हमें पता नहीं है कहाँ से सब इस किस्म की थॉट्स आ जाती हैं. खैर जो भी हो, न्यूजीलैंड वाली टीम एक दफा फिर से पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है और यार ये बस बस कर दो यार. चलो खैर जो भी हो, जो भी मिल रहा हो हम लोग, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि चलो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं. न्यूजीलैंड वालों को क्या मजबूरी पड़ी हुई कि वो बेचारे बार बार इधर ही आए. और खैर अब न्यूजीलैंड वाले इतनी दफा यहाँ पर आ चुके हैं कि मुझे तो उनका नेशनल एंथम भी याद हो चुका है. इस दफा जब वो पढ़ रहे थे तो मैं साथ साथ में खड़ा हो गया था, मुझे लग रहा था कि मेरा अपना ही कोई नेशनल, हमें नेशनलिटी मिल जानी चाहिए कीव्स की. खैर मुबारक हो आप सबको कि दफा न्यूज इज बैक. ये मेरा ख्याल में कोई बातें होनी थी कि कोई बेटिंग वेबसाइट्स और इस किस्म की चीजें, और हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन है वो भी ये कह रहे थे कि यार ये तो हम पूरा एक्शन लेंगे कि ये किस तरह हो सकता है कि इस किस्म की कोई बेटिंग वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर आ गई, कौन सी लूप होल को यूज करके आ गए हैं. तो लोग बड़े खुश हो गए थे कि इनके खिलाफ एक्शन होने वाला है, लेकिन वो फिर से इस दफा के मेन टाइटल स्पॉन्सर हैं. मुझे ऐसी चीजों की समझ नहीं आती अगर लीगैलिटी इस किस्म की है कि अगर ये कोई डिफरेंट एंटिटी और डिफरेंट बिजनेस है तो अगर उसकी ब्रांडिंग उसी तरह हो कि ना हो. खैर इसके पीछे भी पूरी एक साइंस होती है, पूरी एक टर्म है जो मार्केटिंग की यूज की जाती है, विच इज रॉन्ग. बट अगर लीगली वो अलाउड है तो फिर अलाउड है यार, फिर हमें भी ना पकड़ना, हम भी कल को जो इसी किस्म की कोई बेटिंग वेबसाइट को यहाँ पे इंडोर्स करना शुरू हो जाएंगे. लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी कि अब हम इनको देख लेंगे और वो हो जाएगा, और हमें तो पता नहीं था कि क्या हो रहा है. और अब सबको पता है तो फिर भी वो दफा न्यूज इज बैक, यही सब चल रहा होता है. पूरा का पूरा मुल्क जो है आपके सूद के ऊपर चल रहा होता है, पूरी की पूरी इकॉनमी, पूरी दुनिया जो है सूद के ऊपर चल रही है. लेकिन फिर भी यार जहाँ पर आपका दाह लगता है उधर तो आप लगाए ना अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि मैं तो बहुत हलाल कमा रहा हूँ. खैर बाबर आजम और रिजवान जो है वो इस दफा जल्दी आउट हो गए, और जब भी वो जल्दी आउट हो रहे थे तो वही वाली कंडीशन हो रही थी कि हम भी ऑल आउट हो रहे थे. लेकिन इस बार अच्छी बात ये होगी कि कम अज कम हमने जो है वो टेम्पो जारी रखा विकेट गिरने के बाद, हमको ऐसे शेल के अंदर नहीं गए. तो विकेट गिर रही थी जो भी आ रहा था, लेकिन वो कम अज कम जो चौके छक्के मार रहा था तो 180 हमने रन बनाने, तो बड़ी बात है. उसके अंदर बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है साइम अयूब को और फखर जमान को, उसके अंदर भी साइम अयूब को सारा क्रेडिट जाता है. साइम अयूब के ऊपर आउट हो गया मासूम, बहुत ही खूबसूरत शॉट्स खेल रहा था और अच्छी शॉट्स खेल रहा था. फखर जमान ने भी कोई 47-48 रन ही बनाए थे, लेकिन उन भाई ने बस जिधर लग रहे थे उधर टुल्ले मार रहे थे, जिसके चौके छक्के और इस सम का हो रहा था. यही मसला होता है. मैं तो बस मेरे ख्याल में बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार इनको नीचे आना चाहिए, हमारी टीम के अंदर इतने ओपनर्स खेल रहे हैं और फिर भी बाबर और वो, मेरा ख्याल में वो ऊपर ही रहे क्योंकि कम अज कम वो अगर आउट भी होते ना तो अच्छी बॉल्स के ऊपर आउट हो रहे होते हैं. हमारे वैसे जो आके वो टुल्ले शुल्ले जो मार रहे होते ना, कोई इनसाइड एजेस निकल रही होती है, बॉलर भी हंसना शुरू हो जाते हैं, फील्डिंग टीम भी हंसना शुरू हो जाती है कि ये किन पागलों को भेज दी ऊपर से, अगर वो आउट भी हो जाए इस तरह कंफ्यूज होकर तो वो हो जाते हैं हावी. वो पूरी की पूरी बॉलिंग टीम जो है उसका मोराल ऊपर हुआ था. बीच में अगर कोई बेहतर बैट्समैन भी आ जाए तो उसको पहले तो वो पूरा प्रेशर से अपने आप को जो है डील करना पड़ता है, फिर उनको पीछे भी करना पड़ता है, फिर उससे निकल के कुछ शॉट्स भी खेलनी पड़ती हैं, तो ज्यादा ही प्रेशर होता है. तो मेरा ख्याल में बाबर और रिजवान ही ऊपर आए कम अज कम, ये बीच में ही टुल्ले बुल्ले आ रहे हैं तो बेहतर है. जो भी रिजवान इस बार फिर जल्दी आउट हो गए तो हम फिर ऑल आउट ही हुए. खैर एडम मिल जो है उसने बड़ी बेहतरीन किस्म की कोई यार बॉलिंग कराई है 150 की गति के ऊपर, तेज गति के ऊपर उसने बाबर को बोल्ड कर दिया. दूसरी तरफ मैडी भी जो है वो भी आए, बैटिंग में तो कुछ कर नहीं सके लेकिन उनको 15वें ओवर तक इन्होंने रोका हुआ था. उसने आके एक ही ओवर के अंदर 2 आउट कर लिए और हैट्रिक भी ले सकता था वो. तो यही होता है भाई जब आप जो है वो इस किस्म के बयान शान दे रहे हो, आप थोड़ी चलाकियां कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो वो निकलती भी है. खैर बाबर और शादाब के 100
100 T20I मैचेस भी हो गए इसी मैच के बाद, और इफ्ती भाई के लिए स्पेशल मेंशन जो कि गोल्डन डक होके गए हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा बेहतरीन किस्म का रिव्यू ले लिया था जमान की जो पहली विकेट थी, जो टीम की पहली विकेट थी उसके अंदर उन्होंने मेरा ख्याल में सब, उन्होंने कहा था कि ये रिव्यू लो, ये कंफर्म आउट है, और ये इस किस्म का आउट भी दे दिया बैट्समैन से लेके सारी हमारी अपनी जो फील्डिंग टीम थी वो भी बिल्कुल कन्विंस नहीं थी कि यार ये किधर से आउट होगा, हम लोग भी सब ये सब चले गए थे अपनी अपनी बाउंड्रीज पर खड़े हो गए थे रिव्यू लेने के बाद, और फिर वहां से वापस आए यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम से कम कर लिया करो कि यार नहीं अब रिव्यू ले लिया तो हमें इतना तो था कि आउट हुआ, बॉल आउट हो गया, अंपायर भी हैरान था, सब हैरान थे और क्या ही कोई आउट हुआ भाई। कुदरत का निजाम भी कैसे कैसे जो है वो खेल दिखाता है कि हमारे हमने सकलैन भाई को इज्जत नहीं दी थी ना, हमने उनको निकाल दिया तो वो अब उनके कोच बन के, उनके वक्त में बॉलिंग कोई कंसल्टेंट वगैरह बन के आ गए हैं, वो अब भी ताज़ा ताज़ा वो हमारी टीम से निकले आ रहे, उनकी कोई मेरा ख्याल में कोई कंडीशन तो होनी चाहिए कि जो हमारी टीम के इतने अंदर बैठे हुए उनको कम से कम 6 महीने या 1 साल का पीरियड तो हो के वो फिर कम से कम हमारे खिलाफ सीरीज के अंदर नहीं आ सकते अभी, ये तो इनको तो पकड़ पकड़ के पूरी जो जितनी भी टीम्स है वर्ल्ड कप के अंदर जो आ रही है वो एक एक मैच के लिए इनको कंसल्टेंट रखना शुरू कर दी, इनके पास अभी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खबरें हैं कि फलाने का पेट खराब है, फलाने की ये वीकनेस है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा था उसके ऊपर, वो बच्चों ने खुद आके बताई होगी कि सर मुझे ना बताइएगा मत लेकिन मेरे से ये वाली बॉल नहीं खेली जाती, वो जिन सर को उन्होंने बताई थी उन्होंने जाके अगले जो बॉलर है उनके ऊपर कह देना है 4 दिन उन्होंने वैसे ही मांग लेने कि मुझे 4 दिन दो मैं इसकी वीकनेस पकड़ के लाऊंगा, और सारे डेटा उठा के ले जाएगा, उसके बाद घर में जाकर सोता रहेगा, बाहर आके कहेगा इसकी ये वीकनेस है जो उसको पहले से ही पता थी, यार कोई मेरे ख्याल में इस किस्म की पॉलिसी होनी चाहिए कि आप अभी टीम के साथ सेंसिटिव पोजीशन के ऊपर रहें और आप फौरन जो है अपोजिशन को जाके रिप्रेजेंट करना शुरू हो गए, लेकिन नहीं इस किस्म की बातें हमारे यहाँ पे नहीं चलती, ये इदारे शदारे और ये जो इस किस्म की बातें होती है ना ये थोड़े पढ़े लिखे नेशन में ही होती है, यहाँ पर मैं मेरे ख्याल में कोई 300 वीडियो हो चुकी है जिसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नालायकी है और कुछ भी नहीं, यहाँ पे सब नालायक ही बैठे हुए होते हैं जो इस किस्म की चीजें चल रही थी, बस जो चल रहा है चलने दो। खैर हेनरी भाई ने जो है वो हैट्रिक भी ले ली इसके अंदर, चलो शुक्र है कुछ तो मिला कीवीज को क्योंकि उनसे तो 100 भी नहीं हुए बेचारे वो हारे, और हैट्रिक का सारा क्रेडिट जाता है इस कैच के ऊपर जो क्या खूबसूरत पकड़ा इसने एंड में, हमने 180 बना दी थी, बहुत बड़ा स्कोर था भाई, ये इतना नहीं चेज वेज होता हमारी बॉलिंग के ऊपर जो है ये बड़ी बात, तेज गति से भरी हुई होती है हमारी बॉलिंग भाई, उसी से याद है कि सारा का सारा हमारा जो बॉलिंग अटैक था वो लाहौर कलंदर्स का अटैक था, इसमें जमान था, रूफी था, शाहीन था, जो भी हो यार जो भी हो आके डायरेक्ट को जो मर्जी कह दो लेकिन उसने हमारा बॉलिंग अटैक तो बना के हमें दे दी। पहले ओवर में अगर आफरीदी नहीं आउट कर रहा होता तो दूसरे ओवर में तो कंफर्म लेके चला जाता, यार ये क्यों हम ऐसे करते हैं, जब वो अच्छी फॉर्म में अगर अच्छे रिदम में अगर कोई बॉलर करा रहा है तो यार कराने दो उसको, कम से कम 3-3 ओवर तो करा दिया करें, हमने भी जो है 2 ओवर करा के फौरन उनको साइड पर कर दिया, जमान को भी साइड पर कर दिया, आफरीदी को भी साइड पर कर दिया, भाई पावर प्ले उनसे वैसे ही खेला नहीं जा रहा, पावर प्ले अगर जाया हो रहा है तो सारा का सारा प्रेशर ही टीम के ऊपर आ जाता। खैर ये भी काम तो किया जो भी हमारे बॉलिंग चेंजेस वगैरह हो रहे थे, लेकिन बीच में फहीम को जो दे दिया था उसने भी कोट खानी शुरू कर दी थी, इसी वजह से आउट भी हो गया कि अगले भी जो है थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए थे, लेकिन वो क्या कॉन्फिडेंस की भी इतनी जरूरत थी, उनसे खेले नहीं जा रहा था, ना जमान को खेला जा रहा था, ना शाहीन को खेला जा रहा था, तो डालने देते यार 4-4 ओवर करवा देते उधर ही। खैर एक बहुत बड़ी शाउट आउट मैं इस बंदे को भी देना चाहूंगा जिसने ये स्केच बनाया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन स्केच बनाया है ये बंदे ने, ना बनाया मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये स्केच जो है वो शाहीन शाह आफरीदी का है या बाबर आजम, मेरे ख्याल में इसको खुद भी नहीं पता था इसने बनाया है, बाबर आजम का स्केच था, उसके बाद जब लोगों से पूछा कि कैसा था लोगों ने कहा यार बेहतरीन बिल्कुल शाहीन लग रहा है, तो ये भी चुप हो गया, 4-5 लोगों ने जब और अब जाते हैं जो हमारी आईपीएल वहां पर क्या हो रहा है, सनराइजर्स का मैच हो रहा था नाइट राइडर्स के साथ जिसके अंदर रिंकू सिंह, रिंकू ने फिर यार बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, 50 कैचेस भी उसके ड्रॉप हुए, पता नहीं सनराइजर्स भी क्या करते, वो लगान था ना एक बंदा जो कोई बाउंड्री के ऊपर खड़ा हुआ था नया सा कैच नहीं पकड़ सकता था, तो वो वाली कोई सीन हुआ तो पूरे सनराइजर्स का, एक तो कैच भी छोड़ रहे ऊपर से चौके भी दे रहे थे। खैर शुक्र है कोई आईपीएल का भी मैच हुआ है जो कि लास्ट बॉल तक नहीं गया, वरना हर मैच ही जो है वो वन साइडेड हो रहे थे, तो फिर अचानक जो है लास्ट बॉल के ऊपर आ जाते थे, तो इस वाला मैच जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा था, कम अज कम लास्ट बॉल तक नहीं गया, हालांकि आखिरी ओवर के अंदर इसके अंदर हो गया था 32-1 रन चाहिए थे, लेकिन हर दफा तो नहीं होता ना 28 रन लास्ट टाइम से रिंकू ने बनाया था, लेकिन बड़ा बेहतरीन खेला है रिंकू और राणा, और राणे ने जो मारा है मेरे दोस्त उमी को तेज गति को मेरे ख्याल में 28 रन पड़ गए, छक्का चौका चौका छक्का चौका छक्का बतरी क्या कुछ पड़ा है मेरे तेज गति को, और राणे ने वैसे अच्छा नहीं किया, नॉर्मली जब किसी फास्ट बॉलर को इतनी कुट पड़ जाती है ना तो उसका कॉन्फिडेंस हमेशा हमेशा के लिए शैटर हो जाता है, लेकिन ये इंडिया में मुझे मैंने सुनी नहीं थी कमेंटरी से क्या हो रही, लेकिन उन्होंने कंफर्म इस तरह की बातें करनी थी कि तेज गति पे तो ये होता है या विकेट लगती है या चौके लगते हैं, भाई इतना भी नहीं होता यार 28 रन पड़ रहे हो भाई, तो थोड़ा सा कम जोर लगा रहे, जरूरी तो नहीं कि सिर्फ जोर ही लगाना था, जोर लगाने को तो हम भी फेंक दे यार 150 के ऊपर, लेकिन आपने कहीं ना कहीं लाइन लेंथ भी तो रखनी होती ना, जोर तो बड़े लोगों में हमारा आफरीदी स्पिनर जो था उसमें ज्यादा जोर था, लेकिन यही होता है कि तेज गति के चक्कर में लाइन एंड लेंथ बिगड़ जाती है, 150 के ऊपर बॉल ये फेंक रहा है और राणे ने कोई 200 के ऊपर जो है वापस फेंकी, हर पूरे ग्राउंड में हर तरफ इसको छक्के चौके लगे, एक ओवर के बाद इसको हटा दिया गया,
था, उसके बाद लास्ट ओवर दिया उसके अंदर भी कांपता हुआ आ रहा था मासूम कि पता नहीं मेरे साथ क्या होना है। 32 रन डिफेंड करते हुए मासूम के जो ना आसान खता हुए। फिर सब जो ब्रूकी का मजाक उड़ा रहे होते थे उसके बारे में ये कह रहे थे कि यार ये जो है ना ये IPL है, ये PSL नहीं है जिसके अंदर बड़ी जो है तुमने सेंचुरियां मारी हैं और इसके तुमने स्कोर बनाए हैं, तो उसने आके जो है वो अब IPL के अंदर भी सेंचुरी मार दी। क्या एक खूबसूरत सेंचुरी मारी है। 220 रन वैसे भी चेज नहीं होने थे और ये पहला बंदा बन चुका है जिसने PSL और IPL दोनों के अंदर सेंचुरीज मार दी। खैर मेरे पांडू का मैच हुआ कल, हुआ था पंजाब के साथ मैच हुआ था हमारे गुजराती लाइंस का। देखो ना पांडू आए टीम के अंदर तो कैसे हंसते खेलते मुस्कुराते पूरा उसने पूरे ग्राउंड के अंदर सब कुछ अच्छा माहौल रखा हुआ था और बिल्कुल मैच खत्म हो गया आराम से जीत गए थे। पिछले मैच के अंदर क्या छोटी मोटी उसको पोटियां लग गई थी, छोटा मोटा जुलाब लगा हुआ, यार इसको आप जो मर्जी बीमारी इसको अपनी टीम से बाहर करना नहीं है। पांडू ये कोई और चीज है भाई, ये कहीं और कनेक्शन मिलते हैं मेरे और पांडू के बिना तुम लोगों को क्या पता। तो इसको उन्होंने टीम में वापस रखा है, उसने आके दिखा दिया भाई ये वो मैं बता रहा था पिछले मैच के अंदर भी जो उन्होंने मेरे ख्याल में किससे खाए थे, रिंकू से खाए थे मेरे ख्याल में, कोई 30 रन खा लिए थे आखिरी ओवर के अंदर, 5 छक्के उन्होंने खाए थे। तो वो इसीलिए खाए थे क्योंकि वो राशिद खान जो है डेढ़ हफ्ते की मीटिंग कर रहा था, खड़ी हुई थी वो बॉलर जो है पहले उसके औसान खताएं उसको समझ कुछ नहीं आ रही कि मैं क्या किससे बात कर रहा हूँ, ये कौन है वो कौन है, उसने बॉल पकड़ा दी उसके औसान खताएं ऊपर से इतने ज्यादा मशवरे उसको मिल रहे पागल हुआ था। यहाँ पे मेरा पांडू दोस्त था उसने कोने में खड़ा ना तो बात नहीं करी थी, उसने कहना था कि खा ले यार 5 छक्के खा ले इट डजंट मैटर और इसी कॉन्फिडेंस और बॉलर ने जो कमाल कर लेना था। वैसे टीम के अंदर कोई ये बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली तो शाहरुख खान नाम का भी प्लेयर है यार, अभी शाहरुख खान तो आ चुका है IPL के अंदर तो मेरा ख्याल में कोई अक्षय कुमार भी आना चाहिए, वो तो पहले से मेरे ख्याल में वो इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं। ये वाला मैच भी जो है वो लास्ट ओवर तक चला गया था और इसके अंदर यही है कि मेरा पांडू था तो इसलिए आसानी से जीत गए। सेकंड लास्ट बॉल तक नहीं गया, सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर जो है वो चौका शौका मार के गेम ओवर। खैर आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलूंगा मैं आप लोगों से बाकी की जो भी मैचेस हो रहे हैं उनके बारे में बात करूंगा। मैं कल दूसरा भी मैच है यार ये आज ही करा लेते हैं, इसी पे दिन को क्या वापस भेजा है तुम लोगों ने, बस तौलिया शोलिया देते थोड़ा गर्म तौलिया दे देते ना उससे थोड़ा मुंह पे टकोर टकोर करके वापस आ रहे थे। वैसे भी 90 रन के ऊपर आउट हो गए थे उनके, तो भी थोड़े मसल वसल खुले हैं वो जो अकड़े हुए आए हैं पता नहीं, न्यूजीलैंड में ठंड पड़ रही गर्मी पड़ रही तो वैसे भी वो नीचे हेमिस्फीयर में तो वैसे उल्टा होता है, कुछ समझ ही नहीं आती वहाँ पे क्या मौसम चल रहा है। खैर वो जो आए हैं इतना टाइम क्यों जाया कर रहे हो, आज ही दूसरा मैच भी उनसे करवा लेते यार, कल जो तुम लोगों ने करवा दिया एक दिन का कम से कम गैप दे दिया करो। आगे मेरे ख्याल में ये वाले मैचेस तो लाहौर में, कुछ मैचेस मेरे ख्याल में पिंडी के अंदर भी हैं, तो पता नहीं पिंडी में कौन से 400 रन बनेंगे वो भी देखना पड़ेगा कि किस किस्म की विकेट बनेगी। बट खैर जो भी हो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस आई लव द वीडियो और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं ना वीडियो के नीचे कुछ 2-4 कमेंट्स पढ़े हैं, एक बड़ा सही था, एवरीथिंग इज टेम्पररी बट पांडू एंड अर्चना बाय केमिस्ट्री इज परमानेंट। सो बड़ा अच्छा लगता है जब ये पांडू ये उन्हीं का हक है पांडू उसको बोलने का, हार्दिक पांड्या का जब भी ये अप्रिशिएट करते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड एक और मैंने कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि वी नीड अ कोलैब बिटवीन हार्दिक एंड अर्चलन, सो यस वी डू नीड अ कोलैब, वो इंटरनेट ब्रेक कर देगी ऐसी कोलैब होगी। सो गाइस अबाउट दिस वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो थी, इट वाज वेरी फनी, वो राशिद खान की डेढ़ हफ्ते वाली मीटिंग वाली बात मुझे बहुत फनी लगी जो कि सच भी थी। एंड बात करें न्यूजीलैंड वर्सेज पाकिस्तान की तो ग्रेट ग्रेट मैच, उसने इन्होंने सही बोला कि रिजवान और बाबर आजम जब आउट हो गए थे तो उसके बाद भी इट वाज़ आउट धीरे धीरे हो रहे थे, इट वाज़ नॉट कि एक ही स्पीड में आउट हो जाए जो कि मोस्टली होता है पाकिस्तान के साथ। तो इट वाज़ लाइक कि जो आ रहा था आउट, जो आउट हो रहा था और फिर जो आ रहा था न्यू बैट्समैन इन, देवर हिटिंग सम बिग शॉट्स, जिसकी वजह से जो टोटल है वो चलता गया और वो टोटल डिसेंट गुड टोटल बन गया था 180। एंड पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक वॉज ऑल्सो वेरी गुड और न्यूजीलैंड को काफ़ी बुरी तरह से हराया, 100 भी उन्होंने बनाने दिए। सो ऑल इन ऑल गुड क्रिकेट। एंड गाइस IPL में भी बहुत एंटरटेनिंग मैचेस चल रहे हैं, दिस वाज वन ऑफ हैदराबाद और कोलकाता का जो कल हुआ वो भी बड़ा सही था, और वो रिंकू वाला मैच जिसमें रिंकू ने लास्ट ओवर में मैच जितवाया बहुत सही, मतलब क्रेजी क्रिकेट ऑल ओवर चल रहा है, तो मतलब मज़ा आ गया ये वीडियो देख के भी। सो गाइस दिस वाज माय रिएक्शन एंड आई रियली होप दैट यू लाइक इट And if you did this video, को like कर दो, बहुत सारे comments कर दो और हमारे channel को subscribe कर दो। So guys, this is Siddhu Vlog signing off. I love you guys.